आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बना एक बहुत ही लाजवाब और टेस्टी स्नैक्स। देखिए ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही बढ़िया और टेस्टी है। एकदम ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बनकर ये तैयार भी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी के बारे में। तो इस स्नैक्स को बनाने के लिए हमें 1 कप गेहूं का आटा लेना है। इसे हम छानकर यूज करेंगे। इसमें हम आधा चम्मच के करीब अजवाइन मिलाते हैं और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। इसे खास्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल मिलाते हैं। तो इन सभी को हम आटे में अच्छे से पहले मिला लेते हैं मसल मसल कर। आटे को मुट्ठी से मसल मसल कर एकदम पहले भुरभुरा बना लेंगे, क्योंकि हमें इस स्नैक्स को बनाने के लिए आटा बहुत अच्छे से लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा अब इसमें हम पानी डालेंगे और हमें यहाँ पर एक सेमी हार्ड डो लगाना है। बहुत ज़्यादा कड़ा आटा नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से हमारा आटा तैयार है। इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रहने देते हैं। तो चलिए अब एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए 5 से 7 बॉईल किया हुआ आलू लेंगे। इसे हम मैश कर लेते हैं। मैश अच्छे से एकदम चिकना करेंगे ताकि एक भी लम्स ना रहे। अब इसमें थोड़ा सा हमें हल्दी पाउडर मिला लेना है और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हमें बहुत कम डालना है, क्योंकि हम पहले भी नमक डाले थे और अब इसमें थोड़ा सा काला नमक भी मिला लेंगे, इसलिए नमक डालने में सावधानी बरतें। अब इसमें भुना हुआ 1 चम्मच जीरा डालते हैं और 1 चम्मच या आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप हरा मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालते हैं। अमचूर की जगह पर आप जो है वो चाट मसाला भी ले सकते हैं। प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 कटोरी और फ्रेश हरा धनिया डालते हैं। तो ये एक बहुत ही चटपटा सा मसाला हमारा आलू का बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे हाथों से हम अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत लम्स रह भी गया होगा उसे भी हम अच्छे से फोड़कर चिकना कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये एकदम चटपटा सा आलू का मसाला बनकर तैयार है। तो अब आटे की एक लोई लेते हैं। देखिए ये एकदम अच्छे से 15 मिनट के बाद सॉफ्ट भी थोड़ा हो गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगाते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर हम इसे बेल रहे हैं, क्योंकि हमें इसे थोड़ा बड़ा बनाकर तैयार करना है रोटी। तो इस तरह से एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे और थिकनेस भी हमें रोटी की तरह ही रखना है। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे आलू का बना हुआ मसाला। तो थोड़ा थोड़ा मसाला लगाएं और इसे अच्छे से रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दें। बहुत मोटा लेयर हमें आलू का नहीं लगाना है। तो आलू मसाले का एक पतला लेयर लगा लिए हैं। इसे अच्छे से हाथों से हम दबा दबा कर सेट कर लेते हैं। अब ऊपर की तरफ से रोटी को इस तरह से उठाएंगे और हमें हाफ फोल्ड करना है, और दूसरे तरफ से भी उठाते हुए इसे हम कवर कर लेंगे बढ़िया से। तो देखिए बिल्कुल आपको भी ऐसे तैयार कर लेना है। इसे हाथों से इसे दबाएं ताकि आलू अच्छे से इस पे चिपक जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेते हैं और अब हमें इसे हल्के हाथों से थोड़ा लंबा करना है। हल्के हाथों से बनाएं बेलेंगे हम इसे, जिससे कि ये थोड़ा चौड़ा भी होगा और थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें बनाकर इसे तैयार करना है। अच्छे से इसे सेट कर लें। अब एक चाकू से हम 1/2 इंच के बराबर जो है इस तरह से इस पर कट लगा कर इसके स्ट्रिप्स बनाएंगे। अब एक स्ट्रिप को लेते हैं हम, और देखिए अगर किनारे पे आलू निकला हुआ है तो उसे बढ़िया से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें एक छोर को पकड़ते हुए ट्विस्ट करना है। तो इस तरह से एक स्प्रिंग की तरह यह बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे ट्विस्ट करेंगे और गोल घुमाकर इसका एक हम रिंग बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जब बढ़िया से सेट हो जाएगा तब इसे गोल घुमाएंगे और दोनों छोर को अच्छे से हमें चिपका लेना है। तो एक छोटा सा ये रिंग की तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब दूसरे स्ट्रिप को भी बनाकर देख लेते हैं। तो इसी तरह से बहुत आसानी से, देखिए इसे हमें बस ट्विस्ट करना है, एक स्प्रिंग बनाना है और फिर दोनों छोर को ज्वाइंट कर देना है।
आटा सॉफ्ट है इसलिए ये ऐसे भी ज्वाइंट हो जा रहे हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसको अच्छे से चिपका लें, नहीं तो फिर ये तेल में जाने के बाद खुल जाएंगे। तो सभी स्ट्रिप से हमें इसी तरह से छोटे से रिंग बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए ये कितना बढ़िया है और कितना जल्दी भी ये बन जाता है और इसे बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो इसी तरह से हम सारे स्ट्रिप का रिंग बनाकर तैयार कर ले रहे हैं। पहले एक कप आटे से ही ये स्नैक्स बहुत सारे बनकर तैयार होते हैं। तो हम सारे स्ट्रिप से इस तरह से मिनी रिंग्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करते हैं। तेल का लेवल हमें कम रखना है। आप चाहे तो इसे एक फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। एक एक करके देखिए इस तरह से हम सारे रिंग्स को तेल में डालेंगे। तो आप देखिए कि तेल जो है वो बहुत कम ही मैं ली हूँ यहाँ पर, और एक तरफ जब सिक जाए तब हमें इसे पलटना है। लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, तभी ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। इसे बनाने के लिए आप आटे की जगह मैदे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आटे का बना हुआ ये स्नैक्स जो है वो बहुत हेल्दी होता है, इसलिए आप आटे से ही इसे बनाएं। और देखिए इसका कलर बिल्कुल इस तरह का हल्का ब्राउन जब हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। तो एक एक करके इसे इस तरह से पलटते हैं और जब बढ़िया ये क्रिस्पी हो जाए तब हमें इसे निकाल लेना है। तो क्रिस्पी करारे मिनी रिंग्स बनकर तैयार हैं। आप इसे सॉस से खाएं या फिर कोई भी हरी चटनी के साथ। शाम के स्नैक्स में ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप नॉर्मल आटा जो गेहूं का लगाते हैं उसके साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यानी कि इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।